यहाँ पर देख सकते हो भाइयों कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु, और ये देख सकते हो यहाँ पर भी भाइयों बहुत ज़्यादा है, और ये देख सकते हो बीच गंगा में गंगा जी स्नान। हेलो गाइस नमस्कार, स्वागत है गंगा जी के जानकारी। आज हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार हर की पेड़ी से लाइव दर्शन। एक बार कमेंट में जय गंगे माता लिख दें। चलते हैं दोस्तों हरिद्वार हर की पेड़ी पर, और यहाँ पर देख सकते हो गंगा जी में जल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई है, और गंगा जी में रेतीला जल भी बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे कि बारिश पहाड़ों में बारिश हो रही है। आपको पता है पहाड़ों में जैसे बारिश हो रही है तो उसी हिसाब से गंगा जी में जल आ रहा है, और यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं गंगा जी में। चार धाम यात्रा भी बहुत ज्यादा इस समय हो रही है। दोस्तों भाइयों वीडियो पूरी देखना लास्ट तक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चार धाम यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि आपको पता है चार धाम यात्रा के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं हरिद्वार में, या आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो 29 जून से। जैसे कि आपको बता रहे हैं हम 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है पूरी जानकारी दे देंगे हम, बने रहना लास्ट तक। अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे कि 29 जून से जो आप केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होगी कैसे होगी। और यहाँ पर भाइयों देख सकते हो इस समय हम खड़े हैं हर की पेड़ी पर लाइव दर्शन आपको करा रहे हैं। देखिए गंगा जी में जल कितना कम हो गया है, पूरी इस पार से उस पार तक श्रद्धालु गंगा जी में पूरी स्नान करते हुए आपको दिखाई दिएंगे। यहाँ पर देख सकते हो भाइयों भाई देख सकते हो यहाँ पर महिला घाट पर इस समय हम खड़े हैं, और ये देख सकते हो इस पार से उस पार गंगा जी में आदमी श्रद्धालु जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उसका रीजन ये है गंगा जी में जल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई है, जिस कारण श्रद्धालु इस पार से उस पार आसानी से गंगा जी में होते हुए जा सकते हैं और स्नान करते हुए। खास करते हैं आपको ध्यान रखना कि जल जी अभी तो जल की मात्रा बहुत कम है, तो इसलिए कोई बात नहीं ऐसी स्नान, लेकिन अभी आप कुछ समय बाद यदि आप हमारी वीडियो देखते हो तो आप खास करके इस बात का ध्यान रखना कि आप जब भी गंगा जी में स्नान करते हो तो जंजीर पकड़ के ही गंगा जी में स्नान करें, और अभी दूसरे घाट पर जो रेलिंग है रेलिंग के अंदर की साइड ही रहकर गंगा जी में सिर्फ स्नान करना, आपको बाहर की साइड नहीं जाना। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर श्रद्धालु भक्ति के साथ मस्ती के साथ गंगा जी में स्नान करते हुए आपको सभी नजर आ जाएंगे, क्योंकि इस समय हर दोनों गर्मी इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई, 40, 35, 45, 45 तक टेम्परेचर हरिद्वार पर जा रहा है, इसलिए श्रद्धालु बहुत ज़्यादा स्नान करते हुए। दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, इसी तरह की हरिद्वार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले को नई जानकारी। जय गंगे माता, हर हर महादेव।